राजे अगे देखते हैं जिमें अपने को ना एक क्वेश्चन आ एफ एक्स दिता हुआ अपने को एक्स बाय 15 एक्स 1 2 अब सोल 5 तक वैल्यूज दिखाई हुई है तो अदरवाइज है जरा 0 अदरवाइज 0 दिता होना लाजमी है तो दिता ही होगा। सो अपने को सब तो पहला क्वेश्चन है क्या ये दसो प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू 0 ना 0 नहीं 1 और एक्स इक्वल टू 2 ये की होगी और मतलब क्या होता सम रैंडम वेरिएबल च और का मतलब होता सम एक वीडियो च मैं दसया पहला था एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक्स की वैल्यू 1 का दो 1 बाय 15 2 करोगे 2 बाय 15 3 बाय 15 यानी कि 1/5 का आंसर आ गया हो गया था। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है जेड़ा प्रोबेबिलिटी x 1 बाय 2 x 5 बाय 2 x ग्रेटर देन 1 और कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जेता नु याद होवे की हुंदी सीगी ए कंडीशन की मतलब बी हो चुका हुन ए दी प्रोबेबिलिटी दसो जिमें मतलब कोई जगह गिली होने की प्रॉबिलिटी आप लभ रहे हैं तो बी हैगी मीह पैण की प्रॉबिलिटी हम जो मैं तुम कह भी मीह है जरा वो पै चुका हूँ ये रूम गिला होगा यदि प्रॉबिलिटी दसो कि मीह पै चुका बार वाला गार्डन गिला होगा वो प्रॉबिलिटी कि वो 1 ये 0 क्योंकि छत आते। सो एक चीज़ हो चुकी हूँ दसो जे मैं कल्ली ये चीज कहना इहदा मतलब की हो गया कि जगह गिली होने की प्रॉबिलिटी कि गार्डन ते फिर ये चीज डिस्कस होगी भी की होया वा मीह पिया होया जां कोई मोटर चलती रहेगी ठीक है वो डिपेंड करता भी की सिचुएशन बनी है फिर थां गिला होने की प्रॉबिलिटी दसी हुण इहदा मतलब ये बनता हुण इहदा इत्थे की इहदा मतलब की है कि एक्स ग्रेटर दैन 1 हो चुका इहदी प्रॉबिलिटी दसो एक्स दी वैल्यू की है अपना किसी हम एक चीज़ है यदि वैल्यू की होंगी सब पहला ए इंटरसैक्शन बी की प्रॉबिलिटी ओवर ए दी नीचे वाले की प्रॉबिलिटी इतने भी सेम ही काम कर दो ए की जगह पर की है ये रहेगा बी की जगह पर यह ए इंटरसैक्शन बी मतलब 1/2 एक्स लैस दैन 5/2 इंटरसैक्शन एक्स ग्रेटर दैन 1 नीचे प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन 1 गल खत्म हो गई हम यदी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दो हम यू इदा समझना इन्ना सौखा नहीं जो देखा जाए एक्स है जरा अपन पोजिशन देखनी पेगी मान लो ये 1 आ 1/2 कितने होगा इतने होगा है ना 5/2 कितने होगा इतने होगा 1 तो उधर एक्स है जरा पहला की कहता एक्स 1/2 तो इतों तक जाए दूजा की कहता एक्स 1 तो बड़ा मतलब ਇਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਚ ਹੋਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਲਡ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ 1 ਤੋਂ ਨਾ 1/2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/2 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ x 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/2 तक नीचे x 1 तो वड्डा ठीक है जी। हुण इत्थे इहदे वल ध्यान ना देखो नीचे वाले पहला नीचे का देखो तुहानूं एक चीज़ याद होगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की हुंदा सी 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए मतलब ए दे ना होने की प्रॉबिलिटी किवें कढ़दे सी आपां 1 चों घटा दिंदे सी हुण जे मैं कहां ए ए है जिहड़ा इह है ए है जरा एक्स ग्रेटर दैन 1 ए कंप्लीमेंट की होगा एक्स नॉट ग्रेटर दैन 1 जे ए एक्स ग्रेटर दैन 1 है तो यह की होगा एक्स नॉट ग्रेटर दैन 1 इहदा मतलब एक्स की होगा लैस दैन 1 और इक्वल टू 1। सो ए कंप्लीमेंट की हो गया लैस दैन इक्वल टू 1। सो इत्थे प्रॉबिलिटी ऑफ ए जिकर की होंगे प्रॉबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए कंप्लीमेंट जानि कि ए उधर लै जाओ कंप्लीमेंट उधर लै जाओ ए भी ए
फार्मूला बनता पूरा। सो ए की जगह मैं लिखता एक्स ग्रेटर देन वन, वन माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए कंप्लीमेंट की है एक्स लैस दैन वन। सो ए थोड़ा चेंज करके मैं लिखन लगा प्रॉबर्टी वन एक्स फाइव बाय टू तो इतने वन माइनस प्रॉबर्टी एक्स लैस दैन वन। ए वन पे वन तो इधर इधर वाली प्रॉबर्टी कितनी होगी, वन चो इधर इधर वाली प्रॉबर्टी घटा दो समझ लगी, एक्स ग्रेटर दैन वन वाली प्रॉबर्टी की होगी वन चो इधरली प्रॉबर्टी लैस दैन वन वाली घटा दो। सीधा सीधा जो देखी चलो हम इतने आज आप प्रॉबर्टी एक्स दी वैल्यू जो वन तो बड़िया तो पांच बटा दो तो छोटिया कि वन तो बड़िया जाने कि वन तो गया पांच बटा दो तो छोटिया मतलब तीन तो चार तो पांच ही गई हैं जो कि पांच बटा दो तो छोटिया नहीं है कि आ गया फिर कली टू। तो एक्स इतने ये एवं लिखा हुआ इन्होंने एक्स कली टू ही होनी है वन तो वही फाइव बाय टू तो छोटी वो कली टू आ। तो नीचे आई की गल करो वन माइनस प्रॉपर्टी एक्स लैस दैन वन की है, लैस दैन वन तो कुछ है ही नहीं तो लैस दैन अवर इक्वल टू वन का की मतलब होगा फिर एक्स इक्वल टू वन क्योंकि लैस दैन इक्वल टू वन का मतलब की है लैस दैन तो कुछ है ही नहीं मतलब कला इक्वल टू ही है वन तो छोटी। मैं सीधा जहाँ तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा भी वो वैल्यू दसो जी वन तो छोटी जो वन के बराबर है कि इधर की है वो मैं कल ही लिख बाकी सारा कोई लिखने का मतलब नहीं जीरो ही आने राजे जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कल शुरू करना कल वाली वीडियो सारे देख लियो थोड़ा जिहा ध्यान नाल वीडियो देख लिया करो जो बाद स्टूडेंट भी पूछते रहेंगे बाकी राजे जे कोई प्रॉब्लम होंगी है जरूर मैसेज भेजा करो पूछा करो। कई बार की होंगे राजे स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछते हैं क्योंकि फस्ट ईयर के इन्ने ज़्यादा स्टूडेंट आ 150 स्टूडेंट आ वो मैसेज कर देंगे प्रॉब्लम आती है पर प्रॉब्लम की है जो परसनली मैसेज कर लग जाते हैं तो ये थोड़ी चैट आ जोड़े ताे आए प्रॉब्लम्स आ कई बार वो नीचे चली जाती बहुत 80-80 मैसेज आए पे होते हैं मेरे को तो वो ताड़ा भावें तुम भेजा अपने वालों तो माइंड यह लगता भी ऐसी प्रॉब्लम पूछी हुई है पर यह देख लो भी तुम मैसेज भेजा जद ही जे बाई चांस 70-80 मैसेज उत्ते आ गए तो आ किधर गया। सो बैटर कि जो तुम लगता भी मैं मैसेज देख के छटता ये टिक बनी हुई है वट्सअप के उपर तो मैं कदे किसी स्टूडेंट का मैसेज देख के नहीं छटता जे तुम लगे मैं देख के छड़िया हुआ तो बाद ना क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो एक होर सेंड कर दिया करो ताकि मैसेज फिर उत्ते आ जाए ठीक है जो फिर नहीं देखता फिर क्वेश्चन मार्क भेज दिया करो पर यदा मतलब ये नहीं भी तुम एक क्वेश्चन मार्क ये ना करो प्लीज़ 90-70-80 क्वेश्चन मार्क ना भेजो एक दो ही मैं पता लग जूगा बी ये बच्चे का प्रॉब्लम आ तो मैं नहीं देख रहा ठीक है एक दो ही मेरा कोई आई नहीं है भी मैं देख देख के प्रॉब्लम देख देख के क्यों छूँगा मैं उही तो आप कर रहे हैं सिखाने वास्ते तो कर रहे हैं। चलो अपने को जितों तक मैं लगता 31-40 मिनट का लैक्चर हो गया कल मिलते हैं फिर जिदन दो क्लासा होनगियां राजे उदन 80 मिनट का लैक्चर होया करूँगा सो वे वास्ते आपका प्रिपेयर रहे हो पहले ही ओके।